दोस्तों 22 मई से एक बार फिर क्रिकेट की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि 22 मई से 31 मई के बीच विंसी प्रीमियर लीग 2020 खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको विंसी T10 लीग से जुड़ी सभी डिटेल्स और साथ ही साथ सभी टीमों की कन्फर्म स्क्वाड के बारे में बताने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार यह वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को देखते रहिए बिल्कुल लास्ट तक। और अगर आप भी विंसी T10 लीग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले समय में आपको विंसी T10 लीग से जुड़ी सभी डिटेल्स सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, विंसी T10 लीग 2020 का आयोजन 22 मई से 31 मई के बीच किया जाएगा, यानी कि टोटल 10 दिनों में इस लीग को खत्म कर लिया जाएगा। और इस लीग में टोटल 30 मैच खेले जाएंगे, एक दिन में 3 मैचों का आयोजन किया जाएगा। मैच के लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में आपको बता दे तो सोनी या फिर स्टार स्पोर्ट्स विंसी T10 लीग 2020 का लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकता है। जैसे ही इसके ऊपर अपडेट आती है आपको वीडियो मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको बता दे कि मैच की टाइमिंग 6 बजे रखी गई है भारतीय समय अनुसार, और साथ ही साथ इस लीग के सभी मैच ओपन डोर में खेला जाएगा, यानी कि दर्शकों के साथ विंसी T10 लीग 2020 का आयोजन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, इस लीग में टोटल 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और सभी टीमों में 12-12 प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया, यानी कि 12 सदस्यीय टीम का अनाउंसमेंट वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के द्वारा कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम 1x1 करके आपको सभी टीमों के स्क्वाड के बारे में बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी विंसी प्रीमियर लीग 2020 के लिए सभी टीमों की कंफर्म स्क्वाड। और इस लीग में वेस्टइंडीज के दो दिग्गज खिलाड़ी केसरिक विलियम्स और सुनील एम्ब्रिस खेल रहे हैं, जहां पर केसरिक विलियम्स वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर है, वही सुनील एम्ब्रिस जो है वो ओपनिंग बैट्समैन करते हैं वेस्टइंडीज के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।